हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और बड़े दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि नवरात्र चल रही है। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्लॉग आप पता नहीं मुझे कब देख रहे हैं, बट आपकी नवरात्रि अच्छी गई होगी, है ना। तो ये पूरी जो नवरात्रि थी वो मेरा एक अनुष्ठान रहता है, मेरे उपवास रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करता हूँ ज़्यादातर, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। और आई होप कि आप सबकी नवरात्रि अच्छी गई होगी। और तो आज दुर्गाष्टमी है, ठीक है ना। तो आज हमारे यहाँ पे एक छोटा सा एक फंक्शन है, जो हमारे पुराने इन नेबर्स थे उनके यहाँ पे, तो हम सबको इनविटेशन है। तो मैं, मॉम, चाची, हम सब लोग जा रहे हैं। जय और सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे। सो हम जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं क्या है यार, क्योंकि कुछ हाँ गरबा श्योर होगा, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है तो गरबा तो होगा ही होगा। और बाकी देखते हैं, मज़ा आएगा, है ना। I'm gonna make you mine.
Thank you.
बड़े लेवल पे भी आप कर सकते हो, छोटे लेवल पे भी कर सकते हो, और आप अपनी श्रद्धा और अपनी शक्ति के हिसाब से कर सकते हो। और ये जो आनंद गरबा है ना, वो सिर्फ कोई स्तुति गीत या ऐसे गरबा नहीं है, ये माँ जगदम्बा की पूजा करने का अद्भुत माध्यम है। ये इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप ये पूरी स्तुति पढ़ोगे ध्यान से एक बार, तो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। इसमें सुख समृद्धि और खुशियों का आह्वान है, ठीक है ना, और ये आपकी आत्मा को मजबूत कर देता है। ये आपकी आपकी लाइफ में मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं इससे, अगर इसको सही तरीके से ठीक से किया जाए तो। और इसके बहुत अलग अलग लोग करते हैं, छोटे ग्रुप में करते हैं, बड़े ग्रुप में करते हैं, बहुत सारे अलग अलग है। ये हमारे यहाँ बाजू के एक छोटे से टाउन से ये लोग आए थे, जो ये लोग पर्टिकुलर करते हैं, यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की है। तो बहुत अच्छी बात है, ये धीरे धीरे बहुत आगे सक्सेस हो गए और बहुत ही प्रोग्रेस करेंगे ये लोग, इनका भी ग्रुप बड़ा हो, लोग और जुड़े इनसे, और हर कोई एक जो भक्त है वो करवाना चाहता है वो करवाए। तो ये बहुत ही बड़ा मौका है सबके लिए, मतलब एक अलग तरीके से भक्ति होती है ना माँ की। तो